अपनी आक्रामक रणनीति और संसाधन के दम पर पिछले कुछ सालों में ही टेलीकॉम मार्केट में विरोधियों के लिए सिरदर्द बन चुकी रिलायंस जियो को किसान आंदोलन के कारण झटका लगा है। किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान इस बात की अपील लोगों से की है कि वो अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। इसके तहत रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल न डलवाने और जियो सिम को पोर्ट करवाकर कोई और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेने की अपील की जा रही है। इसके अलावा मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलने वाले अडानी अंबानी के सारे प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की भी अपील किसानों ने की है। किसान की इस अपील के बाद लोग सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट जियो सिम के तहत लगातार जियो के नंबर्स को पोर्ट करवाने की अपील कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर किसानों का आप समर्थक हैं तो अडानी अंबानी के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करें। वही इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक फरीदाबाद, बहादुरगढ़, चंडीगढ़, फिरोजपुर और NCR के अन्य इलाकों और पंजाब में ऐसे कई सब्सक्राइबर हैं जो जियो के सिम को पोर्ट करा रहे हैं। इस वजह से रिलायंस बुरी तरह से परेशान है। वही रिलायंस ने इसका आरोप अपने कारोबारी प्रतिद्वंदी वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल पर लगाया है और टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रिलायंस ने कहा है ये कंपनियां ओछी हरकत कर रही हैं और उसके खिलाफ अफवाह फैला रही हैं कि उसे नए कृषि कानून से फायदा होगा। वाई ट्राई को लिखे खत में रिलायंस जियो ने कहा है कि उसे बड़ी संख्या में अपने नंबर्स को पोर्ट कराने वाली रिक्वेस्ट मिल रही है और इसमें सब्सक्राइबर इसी वजह को एकमात्र कारण बता रहे हैं, जबकि उन्हें हमारी सेवाओं से कोई दिक्कत नहीं है।